कल 5 बजे तक हम सरकार अगर प्रस्ताव लाती है तो फ्लोर पे पास कर देंगे और महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और आज का फैसला भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। जो ऑब्जर्वेशन कहे गए साथी ऑर्डर में कहा गया कि लोकतंत्र की रक्षा हो, गुप्त मतदान ना हो, इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की राजनीति हो सकती है। गुप्त मतदान पे रोक लगाई है, खुला मतदान हो, लाइव हो, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायालय ने उठाई। हम निश्चित रूप से इस फैसले को एक मील का पत्थर मानते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में इस तरह के फैसले से कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र जिंदा है, देश संविधान से चलेगा, मर्जी से नहीं, इस तरह के संकेत न्यायालय के आदेश में है। सर, आपने अभी भी एक ट्वीट भी किया है। हमने ट्वीट किया है कि सत्यमेव जयते, भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म। सर, कितनी उम्मीद करते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा यहाँ से, क्योंकि अब जो फैसला आया है फ्लोर टेस्ट कल होना है, काफी समय आपके पास इनफ है, कम है, क्या स्थिति है? देखिए, कल असेंबली शुरू होगी, सबको नोटिस दिया जाएगा, सामूहिक शपथ लेके विधायकों को पद ग्रहण कराया जा सकता है। 5 बजे तक का समय ही नहीं लगेगा, प्रोटेम स्पीकर सामूहिक शपथ करा दें, सिर्फ 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय अपना विश्वास मत जो है उसका प्रस्ताव सदन में रखें, हम पोल मांग लेंगे, डिवीजन हो जाएगा। 5 बजे तक नहीं, 11 बजे अगर असेंबली शुरू होती है तो हमें लगता है तय कर लें तो 11:30 बजे तक सारी चीजें साफ हो जाएंगी। 162 का आंकड़ा कल आपने दावा किया है, अब फ्लोर टेस्ट होना है, कितनी उम्मीद है कि ये फ्लोर टेस्ट सरकार गिरेगी या बचेगी? देखिए, 162 के दस्तखत हमने राजभवन में पहुंचा दिए, लेकिन ये आंकड़ा 165 से आगे है और भारी मत से सरकार पराजित होगी और नई सरकार हम गठित करेंगे।